4 घंटों की लंबी जर्नी के बाद मैं पुणे से बॉम्बे पहुंच गया। और बॉम्बे मैं अपने रिलेटिव के वहां रुका कुछ देर के लिए, जहां पे हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा डिनर किया है। और उसके बाद मेरे रिलेटिव्स ने मुझे एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया। पुणे से मुंबई आने के दौरान बीच में एक श्रीदत्त स्नैक्स सेंटर पड़ता है, जहाँ पर आप हॉल्ट लेकर अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। हमने तो वहाँ पर वैसे साबूदाना वड़ा और चाय पीकर अपने आप को रिफ़्रेश किया और आगे बढ़े मुंबई की तरफ। अभी वक्त हो रहा है सुबह के 3:30 बजे और एयरपोर्ट पहुंचने पर पहली चीज़ चेक की जाती है आपका कोविड टेस्ट का रिपोर्ट। उसके बाद चेक इन प्रोसेस नॉर्मल तरीके का है। आपको बोर्डिंग पास इशू होता है। बोर्डिंग पास इशू होने के बाद आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं, आपका इमिग्रेशन क्लियर होता है। और उसके बाद फिर एज़ मैंने मेरे पहले ब्लॉग में बताया था, मेरे पास थैंक्स टू सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च फैसिलिटीज़ है, जिस वजह से मैं लॉन्च की सर्विस अवेल कर सकता हूँ। तो मुंबई में ये लॉयल्टी लॉन्च है जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, फ़िलहाल अपना कुछ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और थोड़ी देर में ही यहाँ से मैं निकलूँगा अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। अर्ली मॉर्निंग होने की वजह से लॉयल्टी लॉन्ज में आप चाय कॉफ़ी या कोई सॉफ्ट ड्रिंक या जूस इंजॉय कर सकते हैं। मैंने एप्पल जूस ऑर्डर किया था और थोड़ा फ्रेश हो चुका हूँ अब, और कुछ ही समय में हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको हमारे इंडियन एयरपोर्ट, जो कि है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2, जो कि इंटरनेशनल टर्मिनल है, वहाँ का थोड़ा व्यू बताता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट का इंटरनेशनल टर्मिनल T2 बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और इसकी खूबसूरती आपको चारों तरफ नज़र आ जाएगी। ड्यू टू कोविड और सुबह 5 बजे का वक्त होने की वजह से मैक्सिमम आउटलेट्स बंद ही लग रहे हैं। कोई भी एयरपोर्ट हो, इतना खाली और इतना शांत कभी नहीं रहता है, बट इस कोविड की वजह से यह हालत हो गई है कि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा।
अनुरोध है कि आप बैठे रहें और अपने सीट बेल्ट को खोल दें। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रयोग न करें। कृपया करके मोबाइल फोन हर समय बंद रखें। आपात स्थिति के मामले में आगे की ओर निकलें। सो फ्लाइट तो 6:30 को पहुंच गई थी, बट कोरोना टेस्ट की वजह से काफ़ी टाइम लग गया। और अभी मैं निकल रहा हूं घर की तरफ, तकरीबन 3 घंटे लग गए हैं। एक्स्ट्रा 6:30 को फ़्लाइट आ गई थी और अभी टाइम हो रहा है 9:30, यूएई का टाइम है। सो अभी चलता हूं घर, काफ़ी टायर्ड लग रहा हूं। घर जाते हैं, आराम करते हैं, काफ़ी चीज़ें भी करनी हैं, सामान वगैरह सेट करना है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।